कि तू खोड़ी में जादू कर बैठा और सबके दुखड़े हर बैठा। इस कारण मेरा छोटा बेटा तेरे मिलने की जिद कर बैठा, खोड़ी में जादू कर बैठा। बाबा मोहन राम से काली खोड़ी में कह रही है कि मेरा 5 साल का बालक तुझसे मिलने के लिए तपस्या पे बैठा। बड़े सुंदर शब्द है, अरे खोड़ी में जादू कर बैठा, खोड़ी में जादू कर बैठा। इस सहारा ना मेरा छोटा बेटा तेरे मिलने की जिद कर बैठा, खोड़ी में जादू कर बैठा, टुकड़े हर बैठा। इस कारण मेरा छोटा बेटा मिलने की जिद कर बैठा, खोड़ी में जादू कर बैठा। करके नहीं सफर बैठा तेरी मूरत सामी भर बैठा, इस कारण मेरा छोटा बेटा तेरे मिलने की जिद कर बैठा, इस कारण मेरा छोटा बेटा तेरे तपस्या सहता है, जेठ में गर्मी महा में बाड़ा करके तपस्या सहता है। करके नहीं सफर बैठा धूणा लाके घर बैठा, इस कारण मेरा छोटा बेटा तेरे मिलने की जिद कर बैठा, थोड़े में जादू कर बैठा, सबके टुकड़े हर बैठा। इस कारण मेरा छोटा बेटा तेरे भूखा मर बैठा, मेरे तो पापा डर बैठा, इस कारण मेरा छोटा बेटा मिलने की जिद कर बैठा,
ठिकाने आजा, तू किसी और से मिलने दे बहाने आजा, तू किसी और से मिलने दे बहाने उधर तो वो माँ बेटे के लिए बाबा मोहन राम के धाम पे रो रही, उधर बाबा मोहन राम घर आए और भेष बदल कर उसको दर्शन देकर चले गए। ऐसा बहुत बार होता है कि जैसे नरसिंह सेठ के यहाँ वो तो नाई तो बैठा था, अगर भी चलिए चिट्ठी है, और नरसिंह तो गए हैं बथुआ लेने और कृष्ण भगवान आए और चिट्ठी भी ले ली और उन्हें विदा भी कर दिया, क्योंकि ये भक्ति है और जिसकी भक्ति सच्ची है वो हमेशा पार उतरता है। तो लिखा भी है, भक्ति से दुखड़े टले गए फूल प्रेम के खिले गए, भक्ति से दुखड़े टले गए फूल प्रेम के खिले गए, जिस में भाव देख बच्चे का बाबा गोदी खिला के चले गए, जिस में भाव देख बच्चे का बाबा गोदी खिला के चले गए, गौतम भाटी सर बैठा हर गोदी में सर बैठा, इस कारण मेरा छोटा बेटा मेरे दिल में गीत में कर बैठा, थोड़े में जादू कर बैठा, तू सबके दुखड़े हर बैठा, इस कारण मेरा छोटा बेटा मेरे दिल में गीत में कर बैठा, थोड़े में जादू कर बैठा। दोनों के सच्चे दरबार की।